नमस्कार दोस्तों, योग मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आसन की जो कि हमारे पेट को स्ट्रांग बनाता है, हमारी पाचन शक्ति को तेज करता है। तो जो पाचन शक्ति है हमारी, जो भी हम खाते पीते हैं अच्छे से पच जाता है, जैसे पेट की सारी समस्याएं दूर होती हैं, जैसे कब्ज, गैस, एसिडिटी, आईबीएस की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की समस्याएं, अपचन की प्रॉब्लम और जिन लोगों को कच्ची डकारें आने लगती हैं, ये सारी प्रॉब्लम दूर होती है। इस आसन को करके हम खाना खाने के तुरंत, ये एकलौता ऐसा आसन है जो कि हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, क्योंकि सारे आसन जो होते हैं वो हमें सुबह खाली पेट आसन करने होते हैं या तो खाना खाने के 5-6 घंटे के गैप के बाद करने होते हैं। लेकिन ये एकलौता ऐसा आसन है जो कि हम खाना खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं, और जब हम इसे तुरंत बाद इस आसन पर बैठते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस आसन को कैसे करते हैं। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आइए हम देखते हैं कि इस आसन पर कैसे बैठते हैं। इन पर बैठ के, मैट पे बैठ के भी कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद हम बेड पे बैठ के भी, अपने बिस्तर पे भी इस आसन को कर सकते हैं। क्योंकि जो लोग बिगनर्स होते हैं वो लोगों को जमीन में बैठने में प्रॉब्लम होती है, उनको जमीन जो होती है हमारी हार्ड होती है वो गड़ती है, जो हमारा गद्दा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, तो इसलिए उनको बैठने में आसानी होती है। उनके घुटनों की जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है या एंकल में जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, वो लोग आसानी से अपने गद्दे पर, बिस्तर पे अपने बैठ के कर सकते हैं इस आसन को। तो आइए हम देखते हैं कि इस आसन को कैसे करते हैं। दोनों पैरों को फैला लेंगे। पहले अपने लेफ्ट पैर को इस तरह फोल्ड करके पीछे ले जाएंगे। अब इस पैर पे हम इस तरह बैठते हुए अपने राइट लेग को भी हम पीछे ले जाएंगे और इस तरह दोनों घुटनों को मोड़कर हम बैठ जाएंगे। अपने दोनों हाथों को सीधे इस तरह से हथेलियाँ उल्टी करके यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरह से दोनों हाथों को सीधे बिल्कुल सामने देखेंगे। अपने हाथों को आप ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं, और हमें बिल्कुल सामने देखना होगा। कोई भी दीवार पर आपके बिंदु हो, कुछ भी हो, उस पर आप अपनी नज़रें टिका दें और बिल्कुल एक टक उस तरफ देखते रहें। इस आसन पे 5-10 मिनट तक हम बैठ सकते हैं। हमें ऐसे नहीं बैठना होगा, एकदम सीधे अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखना होगा, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हमारी फूड नली द्वारा होता हुआ हमारे पेट में सीधे पहुँचे। जब हम ऐसे पहुँचेंगे तो थोड़ा हमें दिक्कत होगी, तो इसलिए हम सीधे पहुँचे। जो भी हमने खाना खाया है हमारे पेट को जगह मिले और वो अच्छे से पच सके। जो हम खाना खाते हैं वो जब हमारा पेट में पहुँचता है, फूड नली द्वारा होते हुए हमारा पेट में खाना पहुँचता है, तो हमारा सारा ब्लड जो होता है और जो शरीर की एनर्जी होती, ऊर्जा होती है, वो खाना पचाने में लग जाती है। जब हम इस तरह आसन पे बैठते हैं तो जो ब्लड का फ्लो हमारा पैरों की ओर जा रहा होता है वो भी हमारा इस जगह पर रुक जाता है। पूरा ब्लड का फ्लो हमारा पेट पे रुक जाता है और हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और पाचन शक्ति जो है मजबूत होती है। जब उसे ब्लड का फ्लो, पूरी एनर्जी यहीं पर मिलेगी तो खाना जल्दी पच जाएगा। जो खाना हमारा 1/2 घंटे में 2 घंटे में पचना था, वो हमारा जब हम 10 मिनट तक इस आसन पे बैठेंगे तो बहुत ही जल्दी पच जाएगा, और डकार जैसी प्रॉब्लम भी लोगों की दूर होगी, गैस, कब्ज जैसी प्रॉब्लम भी लोगों की दूर होगी। आप खाना खाने के बाद 5-10 मिनट तक इस आसन पे बैठ सकते हैं। लेकिन जो लोगों का वेट ज़्यादा है, शरीर का वेट ज़्यादा है और उन लोगों के एंकल में दर्द होता है, वो लोग पिलो का सहारा भी ले सकते हैं। पहले हम आपको साइड से दिखाते हैं इस आसन पर। अपने दोनों पैरों को, दोनों पैरों के पंजों को, पंजे के अंगूठों को आपस में मिला के रखना है, एड़ियों को इस तरह फैला के रखना है और ऐसे बैठना है। इस तरह बैठेंगे, और जिन लोगों के एंकल में दर्द होता है, शरीर का वजन ज़्यादा है, उन लोगों के एंकल में दर्द होने लगता है, तो वो लोग पिलो का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि इस तरह हम अपने पिलो को यहाँ पर रखेंगे और इसके ऊपर इस तरह बैठ जाएंगे। जब हम इस तरह इस पर बैठेंगे तो ज़्यादा देर तक हम आराम से बैठ सकेंगे। तो जो लोग बुजुर्ग हैं, विग्नर्स हैं या जिनके शरीर का भार ज़्यादा है, वो लोग देर तक इस आसन पे पिलो का सहारा लेकर बैठ सकते हैं।
सामने सीधे देखेंगे,